नमस्कार दोस्तों, सुबह के 8 बज गए हैं। फ्राइडे है आज और इस वीक का आखिरी दिन, तारीख है 23 फरवरी। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है आपका 40-50 पॉइंट के आसपास, थोड़ा और ऊपर होना चाहिए भाई। जिस हिसाब से तेज़ी हुई है यूएस मार्केट में, आप देखेंगे कहाँ है यूएस मार्केट, ये रहा। ठीक है, ये देखिए 450 पॉइंट आपका डाउ जोन्स ऊपर जाके बंद हुआ है, 450 ही लगभग आपका नैसडेक ऊपर जाके बंद हुआ है। देन और हवा में तो ये निक्केई जो अपना जैपनीज मार्केट है, ये तो भाई ये देखिए 39,000, ये तो हवा में ही उड़ रहा है, ज़मीन पे भी नहीं, अंतरिक्ष में साला, हवा में भी क्या। ठीक है, और अपना मार्केट सिर्फ 40+ पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। ठीक है, हम भी ऑल टाइम हाई पे ही हैं, है ना। तो आज हमें, अच्छा कल शायद बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही थी एक बार को, नहीं स्टेबल ही है नॉर्मली है, क्रिप्टो भी उफान पे ही है। डॉलर इंडेक्स बढ़िया है दोस्तों, वो नीचे है 104 के नीचे रहेगा डॉलर इंडेक्स तो ठीक ठाक रहेगा। एंड एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, पहली बार रुपया सुधरता हुआ दिखा है। ठीक है, USD INR आप देखेंगे 83 के नीचे आ गया है, तो ये लगभग पिछले 2-3 साल में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि रुपये में सुधार हो रहा है। ठीक है, नहीं तो देखते देखते 74, 75, 78, 80, 82, 83, ये 2-3 साल में हम सब ने विटनेस किया है, सुधार तो कभी होते हुए देखा नहीं है। फिर पहली बार देख रहा हूँ कि रुपये में जो है सुधार हो रहा है, तो ये बड़ा सही चीज़ है भाई, अच्छी चीज़ है। चलो, ये है रियल, मतलब जो दिखाए फंडामेंटली दम, है ना, करेंसी मजबूत हो तो पता लगे। हालांकि इतना कोई बड़ा सुधार नहीं आ गया, पर कुछ पैसे मजबूत हुआ है भाई पिछले 5-6 दिन में। ठीक है, चलो हम अपनी बात करते हैं मार्केट की, हमको किस प्रकार से आज देखना है। देखिए, जाता हुआ दिख तो रहा है, कितना 22,300 के आसपास, 22,300 के आसपास। ठीक है, तो एक बार तो सबसे पहली बात तो जिसकी भी भाई तेजी वेजी है, हमारी भी है, हम भी सब बुक करेंगे, हम भी सब निकलेंगे। और मुझे आज का मार्केट थोड़ा सा ऐसा ही दिख रहा है, टाइम पास करता हुआ। ठीक है, उसमें कुछ आपको मोमेंटम नहीं दिखने वाला कि मैं बिल्कुल ही बाई साइड बैठ जाऊं या बिल्कुल ही सेल साइड बैठ जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऊपर नीचे होता रहेगा, ज़्यादा कुछ उसमें दिखने वाला नहीं। ऊपर नीचे मतलब बिल्कुल ही ऐसे ही एक रेंज पकड़ लेगा मार्केट, और उसमें ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। ठीक है, और क्लोजिंग भी लगता है मुझे ऊपर ही आनी चाहिए, हाईएस्ट क्लोजिंग आनी चाहिए इस वीक के, और मंडे को भी शायद। देखिए, फेब का जो लास्ट वीक होता है ना, फेब मंथ का जो लास्ट वीक होता है, जनरली उस वीक में गिरावट आती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। पिछले, चाहे आप उठा के देख लीजिए, इसमें मेरे बोलने की वाली क्या बात है, आप पिछले क्या कहते हैं कितने ही साल उठा के देख लीजिए, फरवरी मंथ का जो लास्ट वीक होता है उसमें गिरावट आती है, और अच्छी खासी गिरावट आती है। ऐसे नहीं कि मतलब क्या कहते हैं 100, 200, 300, 400, भैया 800, 900 पॉइंट भी गिर जाता है 4-4, 5-5 दिन में। ठीक है, चाहे वो पुतिन ने अटैक किया था, या लास्ट ईयर भी काफ़ी कुछ हुआ था, शायद फेब मंथ में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। पिछले साल तो नेगेटिव मंथ रहा ही सिर्फ यही है, जनवरी फरवरी और हल्का सा फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च, अदरवाइज पिछले साल तो पूरी तेजी हुई है। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ कोई गारंटेड नहीं है, बट भैया सचेत हो जाना है, कैरी करके जाना है नहीं जाना है वो सब तो भाई मैं लाइव मार्केट में ही देखूँगा, पर मैं एक बार को सुबह सुबह निकल जाऊंगा हर प्रकार की पोजीशन से। हाँ, बैंक निफ्टी में हो सकता है कि बैंक की पोजीशन मेरी खड़ी रहे पोजिशनल बेसिस, वहाँ मुझे स्पेस अभी भी नज़र आ रहा है। अगर 47,350 कट होता हुआ दिखा मुझे, उसके ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखा, तो बैंक निफ्टी में पोजीशन बनी रह सकती है। वो सब मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करूँगा। बस फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपको गैप अप मिले, जो भी कुछ दिखे, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी पे ध्यान रखिएगा। ऑटो के स्टॉक्स BTST थे,
तो वहाँ पे जरूर प्रॉफिट बुक करिएगा। आईटीसी मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ से, आईटीसी ठीक है, आईटीसी अच्छा लग रहा है। एशियन पेंट अगर 3032-35 इस रेंज को पार कर लेता है तो वहाँ पे भी आपको 2-3% की तेज़ी देखने को मिल सकती है एशियन पेंट में, ठीक है। देन और भी 2-3 स्टॉक देखे थे मैंने जो ठीक लग रहे थे, ये था आईटीसी था, हाँ एक्सिस बैंक। भाई एक्सिस बैंक में जो चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहे हैं, एक्सिस बैंक मुझे पोजिशनली अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर 1080 का लेवल उसमें नहीं ब्रेक होता है, वो सपोर्ट मान के चलिए, एक्सिस बैंक में आपको 5-6% की तेज़ी पोजिशनल बेसिस दिख सकती है, ठीक है। 1080 का सपोर्ट रहेगा और एक्सिस बैंक का चार्ट जो है ठीक लग रहा है, ठीक है, वो शायद और नए हाईज बनाता हुआ दिखे आपको। तो यही है दोस्तों सुबह सुबह की चाय की चर्चा, वीडियो को पोस्ट करता हूँ, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, निकलना है मार्केट से, ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्रक्स ऑफ दिस वीडियो एनालिसिस, मार्केट से निकलना है। देन निफ्टी में 350 का लेवल जो है वो आना बहुत ज़रूरी है स्क्रीन पे, अगर उसको मतलब नई रेंज खोलनी है मार्केट की, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी 350 को क्रॉस कर जाए तो बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं फिर।